स्वागत है आपका फिर एक बार फिर। और हम जैसा ही कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की गारंटी है, इंडिया टीवी ने डे वन से पहले ही बोल दिया था कि वर्ल्ड कप की गारंटी है और एक कदम दूर है और टॉस होने वाला है किसी भी वक्त। और टॉस में क्या हुआ ये आपको मैं बता दूं कि निखिल चोपड़ा जो कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है कि टॉस जीतो और पहले बल्लेबाजी करो। और हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग शहरों में, वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी आओ। बड़े मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं निखिल बॉस कि बैंगलोर कब आओगे, मुंबई कब आओगे, जल्दी आओ यार। हमारे भी फैंस जो है इंतजार कर रहे हैं, बार्बाडोस के फैन भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टॉस का फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार आपको बैंगलोर लेके चलता हूं जल्दी से और बैंगलोर का माहौल देखता हूं। टी राघवन लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हो, क्या क्या है भाई, बैंगलोर में जोश है कि नहीं है, कोच साहब का शहर है जी। देखिए इस बार बैंगलोर के फैंस की नजर जो है वो विराट कोहली पर है, आरएसबी के यहाँ पर कैप्टन रहे हुए प्लेयर रहे हैं। और यहाँ पर हमेशा ये कहा जाता है समीर कि इस साल कप नम दे, इसका मतलब इस बार हम कप जीत रहे हैं। आरसीबी में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज क्या विराट कोहली विश्व कप दिला देंगे भारत? 100% विराट कोहली विश्व कप दिला देंगे, हमें विश्वास है। भले विराट कोहली का इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छा ना रहा हो, लेकिन आज का डे विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और विराट कोहली हमें पक्का कप दिलाएंगे, हमें विश्वास है। राहुल गांधी ऐसे कोच आखिरी मैच खेल रहे हैं बॉल, उनके लिए क्या गिफ्ट होगा आज आपको लगता है? आज जीतेगा भाई, जीतेगा भारत, जीतेगा आज भारत, जरूर वर्ल्ड कप लेके आएगा। जोरदार चीयर हो जाए इंडियन टीम के लिए। जीतेगा भाई, जीतेगा। एक ही नारा कहूंगा कि 17 साल का जन्नाटा दिखो, जन्नाटा। देख लिया हमने बैंगलोर। और इस उम्मीद के साथ कि इस बार हम विश्व कप की गारंटी के साथ आए। बिल्कुल बिल्कुल जय, बिल्कुल। एक सेकंड अब चलते हैं सीधा फटाफट पुनीत परिंजा के पास। टॉस का क्या हाल है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। मैच सही समय पर शुरू होने वाला है, लेकिन टॉस की खबर जैसी आएगी हम आपको बताएंगे। पुनीत, चंडीगढ़ में की हो रहा है भाई, चकदे फटे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल समीप, क्योंकि ढोल जो है वो भले ही स्टूडियो में बज रहे थे लेकिन उसकी थाप जो थी। अच्छा पुनीत, आपको रोकूंगा, पुनीत आपको रोक रहा हूं, सॉरी, क्योंकि टॉस की खबर आ गई है। टॉस आपको बता दे, जो हमारे कैप्टन निखिल चोपड़ा ने कहा वही हुआ है, हिंदुस्तान ने जीता है टॉस और पहले। निखिल बॉस, कितना बड़ा एडवांटेज है, टॉस जीता बैटिंग फर्स्ट टीम? बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि टीम में कोई बदलाव भी नहीं है। अभी आपको बस कुछ ही देर में बता भी देंगे अगर कोई टीम में बदलाव नहीं है। 120 गेंदों के फॉर्मेट में आप पहले बल्लेबाजी करके आप 170 रन बोर्ड पर बना देते हैं। उस 120 गेंदों के फॉर्मेट में जब आपके पास तीन क्वालिटी स्पिनर हो, 72 गेंदे स्पिन की हो, और हम सब जानते हैं अगर हल्की सी भी मदद मिली स्पिनर्स को उस पिच के ऊपर तो फिर दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा रन बनाना उनके खिलाफ। लेकिन एक बात है जो मुझे थोड़ा सा डराती है, वो ये है कि हर कोई कह रहा है कि विराट का इस बार वर्ल्ड कप में नहीं चला, उन्होंने अपना बेस्ट जो है वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बचा रखा है। कहने में तो अच्छा लगता है, इजियर सेड देन डन, जिस तरीके से अंग्रेजी में कहा जाता है, कहावत है, कितना मुश्किल है विराट के लिए। और एक चीज हमने देखा कि पावर प्ले में बहुत कुछ निर्भर कर रहा है इस वर्ल्ड कप में। जिसने पावर प्ले में अच्छे रन बना दिए उसका एक अच्छा फाउंडेशन बन गया वर्ल्ड कप में, वो मैच जीता। सभी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बताया, क्योंकि विश्व कप का फाइनल या कोई भी मुकाबला T20 का फॉर्मेट आप कभी भी उठा के देख लीजिए, जो टीम जीतती है जो पहले 6 ओवर में मोमेंटम प्राप्त करती है, जो पहला इनिशिएटिव लेते हैं, वो 36 गेंदे पावर प्ले अगर आप दो भाग में बांट दें, 18-18, आपने वहां पे थोड़ी सी रफ्तार पकड़ ली, फिर विपक्षी टीम जो है ना सिर्फ कैचअप कर रही होती है। विराट कोहली के लिए जो आपने सवाल पूछा, सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चैंपियन खिलाड़ी है, बिल्कुल, इतने साल से वो रन बनाता आ रहा है और हम सब यही जानते हैं कि उनकी इतने मुश्किल फॉर्मेट में निरंतर तरीके से परफॉर्म करना सबसे मुश्किल है। लगभग 50 की वो औसत है, एक इनिंग दूर है इतना बड़ा खिलाड़ी वापस फॉर्म में आने के लिए। पुराना सब भूल जाइए, ग्लास जो कहते हैं ना इससे खराब नहीं हो सकता, यहां से बेहतर ही होगा, क्योंकि पहले ये खिलाड़ी मुकाबले आपको सिंगल हैंडेडली जिता चुका है। करेक्ट। और साथ में जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस रफ्तार से वो रन बना रहे हैं, तो विराट के ऊपर से अपने आप वो प्रेशर खत्म हो गया। 7-8 गेंदे भी, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, 7-8 गेंदे भी अगर एक बार वो पेस वो उछाल के आदि हो जाते इस पिच पे, आपको फिर एक वो बड़ा स्कोर लगाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और निखिल चोपड़ा, जिनको मैं कह रहा हूं कि हमारे कैप्टन है, आज इंडिया टीवी के कैप्टन है, और देखो हमारे कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा, अभी तक टॉस जीतो पहले बैटिंग करो, रोहित शर्मा ने भी बार्बाडोस में वही किया है। और हमारे कैप्टन निखिल चोपड़ा ने कहा कि टीम में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, और वही चीज यहां पर रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने भी किए, टीम में कोई बदलाव नहीं। देखिए आपके पास
आपके सारे घर जो है ना वो कवर्ड है, जिस तरीके से बल्लेबाजी का क्रम आप देख लीजिए, मैन टू मैन अपने आप में सभी मैच विनर्स है। विराट कोहली का शायद इस सीजन थोड़ा सा वो शांत गया विश्व कप। बॉलिंग डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, आपके पास कुलदीप, अक्षर, जडेजा, अर्शदीप जिस फॉर्म में चल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह अपने आप में अकेले आपको एक वो घातक स्पेल डालते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तो भारत टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रहा है, अगर टॉस हार भी जाते ना फिर भी आपके पास सारे के सारे वो डिपार्टमेंट कवर्ड थे। असला बहुत, असला बारूद हमारे पास आज, और वो भूख नजर आ रही है, भूख, वो पुरानी कहावत है ना, जब हौसला बनाई लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्या ना अपना कद आसमान का। वाह क्या बात, वाह ये हुई बात वाकई में। और आसमान छूने के लिए टीम इंडिया तैयार है, आसमान में ही है और ऊंचाइयां छूनी है टीम इंडिया को। और एक बात तो है कि भारतीय टीम के हौसले जो है बहुत बुलंद है, और कुछ रिपोर्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस, बुमराह की अगर बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, अचानक ही टीम इंडिया में कई ऐसे एक्स फैक्टर खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं जिनसे पार पाना सामने वाली टीम के लिए नामुमकिन है, नामुमकिन। वैसे नामुमकिन क्रिकेट में कुछ नहीं होता है, लेकिन ये तीनों जो है नामुमकिन बनकर उभरे हैं। और अगर बात करें हमारे माहौल की, तो हम वार्म अप हो चुके हैं पूरी तरीके से, टॉस हो चुका है, बारबाडोस टीम इंडिया ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैं एक बार फिर आपको चंडीगढ़ लेके चलता हूं, क्योंकि पुनीत परिंजा हमारे साथ थे और मैंने उनको बीच में काट दिया, क्योंकि टॉस उस समय उछाला, सिक्का उछाला और वो हिंदुस्तान की हक में गिरा, और हमें पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि ये मैच भी हमारे झोली में ही आएगा। पुनीत, बैक टू यू, बताइए चंडीगढ़ में क्या माहौल है, चकदे फट्टे की क्या तैयारी है? देखिए, अगर मैं चंडीगढ़ के माहौल की बात करूं तो यहां पर आपको मैंने पहले जैसे दिखाया था कि स्क्रीन लगी हुई है, ये सेक्टर 22 है और काफी यहां पर भीड़ भड़का रहता है। ये तस्वीर मैं आपको सेक्टर 22 की दिखा रहा हूं, उसके बीचों बीच ये स्क्रीन लगाई गई है और यहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने के लिए। बच्चे मेरे साथ हैं। आप कह रहे थे कि आपका फेवरेट खिलाड़ी विराट कोहली है, रोहित शर्मा। कितनी उम्मीद इस बार लग रही है आपको? मुझे इस बार लग रहा है कि रोहित शर्मा सेंचुरी मारेगा, क्योंकि पिछले मैच में 92 मारे थे उसने, तो इस बार मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है और इंडिया जरूर जीतेगी। सेंचुरी की उम्मीद है। राजीव, छोटा बच्चा भी है, इसका एक छोटा वीडियो बना देते हैं, बात है ना। कौन खिलाड़ी ज्यादा अच्छा लगता है? विराट कोहली अच्छा लगता है। अच्छा, आप आपसे मैं बात करूं, कितनी उम्मीद इस बार वर्ल्ड कप? उम्मीद में कोई डाउट नहीं है और डेफिनेटली इंडिया जीतेगी, और इसमें कुछ भी शक नहीं है और कोई डाउट नहीं है, ना किसी को होना चाहिए। भैया टॉस भी जीता इंडिया ने, टॉस आधा साइकोलॉजिकली जो प्रेशर है वो ऑलरेडी इंडिया ने ले लिया है, और बैटिंग करेगा और 180 के अप्रॉक्स बनाएगा तभी भी इंडिया जीतेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि रोहित शर्मा कम से कम 8 ओवर तक खेलें, पावर प्ले निकालें और अपने अपने उसी लय से खेलें जैसे पहले से खेलते आ रहे हैं। बिल्कुल, आप यहां पर स्पेशल पहुंचे यहां पे मैच देखने के लिए। यस, कितनी उम्मीद इस बार पुनीत? मैच हमें जीतना, लौटेंगे आपके पास पुनीत। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं तो आज जो है ये ब्रा होने वाला है, और वो भी बारबाडोस में। टीम इंडिया बर्बाद करने वाली है साउथ अफ्रीका को, हमें पूरा भरोसा है, लेकिन क्रिकेट का मैच है, सामने वाले को भी पूरा सम्मान और रिस्पेक्ट देना चाहिए, विरोधियों को भी, और पूरे सतर्क होकर खेलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाली टीम भी एक भी मुकाबला हारी नहीं है, अनबीटन दोनों टीम्स आई है, तो मुकाबला बड़ा कड़क हो सकता है यहां पर। जी हाँ, और तभी मैं कह रहा हूं कि वो पहले 6 ओवर पाप लेके भारतीय टीम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिस तरीके से मिचेल स्टार्क को रोहित शर्मा ने 29 मारे थे। बिल्कुल, मैं थोड़ा स्पेसिफिक यहां पर होना चाहता हूं, इसके बाद मेरे को दिल्ली से मेरे रिपोर्टर्स का फोन भी आ रहा है
कि हमारे पास कब आओगे, वो भी पूरी तरीके से वार्म्ड अप है। मैं उनके पास भी चलूंगा क्योंकि मैं स्टूडियो से निकलकर पिटना नहीं चाहता अपने रिपोर्टर से, है ना, मुझे अच्छी खासी मार लगी। आपके पास ऊपर अलग प्रेशर है, मेरे पास अलग प्रेशर है क्योंकि हमारे पूरे इंडिया टीवी के सारे रिपोर्टर्स भी वार्म्ड अप है, विशाल पांडे भी वार्म्ड अप है। उनका फोन आ गया ब्रेक में, बोला मेरे पास जल्दी आओ, मेरे पास सारे फैंस यहाँ पर जो है बड़े उत्सुक तो रखे। लेकिन थोड़ा सा क्या विराट कोहली पर एक्स्ट्रा प्रेशर हो सकता है? नहीं, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये खिलाड़ी इतने सालों से भारतीय टीम को मुकाबले जिता रहा है, और चेस मास्टर क्यों कहते थे, क्योंकि प्रेशर में उसका खेल जो है और निखर के आता है, और वो खुद विश्व कप में एक ऐसी पारी खेलना चाहता है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबने किसी ने सही कहा है ना, समय सीमित है उसी की तो कीमत है, तो ये मुकाबले जो है ना आप भूलना नहीं चाहते फाइनल में। क्या बात है, क्या बात है, ये हमारे ये एक ये जो खिलाड़ी है, जितने कमेंटेटर्स हैं, ये खास जो है ना एक टैलेंट जो है ये हाल में देखने को मिला है। ये सिद्धू पाजी, निखिल बॉस, ये बड़े जबरदस्त जो है एकदम मौके पे जो है शेर मार रहे हैं आजकल, बड़े जबरदस्त एक से एक। चलिए विशाल के पास चलते हैं। विशाल, आपके पास तुरंत आ गया भाई, नाराज मत होना क्योंकि आप देख रहे हो कि माहौल बड़ा जबरदस्त है। बताइए कि क्या माहौल है आपका, और क्या दिल्ली के लोग कह रहे हैं जीतेंगे कि नहीं? बिल्कुल, देखिए टॉस जीत चुकी है इंडिया, और इसके बाद माहौल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे साथ काफी लोग जर्सी पहनकर यहाँ पर, क्या नाम है आपका? अजीत। सीधे छोटे छोटे कमेंट्स बताइए, क्या लगता है आपको, क्या कैसा जोश है? इंडिया जीतेगी, जोश आए है, लोग एक्साइटेड है, सब आए हैं। 2007 में वर्ल्ड कप जीता था, अब इतना टाइम हो गया, अब आज तो इस बार तो लेकर आना ही है। जी, आपका नाम क्या है, आपको क्या लगता है? सर आज किंग कोहली हमारे दिल्ली का 100% 50 प्लस मारेगा, इसने सारे मैचों में अभी तक मारे नहीं, 100% मारेगा और 100% हम ही जीतेंगे, कप हम ही लेके आएंगे। अजी, जर्सी पहनी आपने इन टीम इंडिया की, क्या लगता है अंदर, क्या दिल में क्या चल रहा है? बस दिल में यही चल रहा है आज कि इंडिया जीते और हम आज जश्न मनाएं, पूरी रात जश्न मनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरें, जो जोश है वो बिल्कुल हाई है, और इंतजार है बस अब कुछ घंटों का, कुछ घंटों के बाद जब इंडिया की टीम जो है वो कप लेकर देश लौटेगी और उसका उसके बाद जो है स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल, हम देख रहे हैं तीन तीन पाजी पूरी तरीके से तैयार है, और कमेंट्री बॉक्स में सिद्धू पाजी भी तैयार होंगे, कह रहे होंगे ठोको ठोको ताली। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम रिपोर्टर के पास चलेंगे और अतुल सिंह के पास भी चलेंगे, मुंबई नहीं चलेंगे, क्यों चलते हैं दिल्ली, मुंबई, मुंबई तो क्रिकेट का मक्का कहलाया जाता है, राजधानी कहलाई जाती है। अतुल, मुंबई कप्तान, मुंबई का पहले भी आपके पास आए थे, क्या मुंबई में माहौल और गर्म हुआ है कि नहीं, वार्म अप हो गया कि नहीं? वार्म अप होना बहुत जरूरी है आज इस फाइनल के लिए। पूरी तरीके से संदीप, आपने जैसा कहा पूरी तरीके से माहौल वार्म अप हो चुका है, लगातार भारत माता जय के नारे लग रहे हैं, रोहित शर्मा के नारे लग रहे हैं, क्योंकि टॉस भारतीय टीम ने जीत ली है, जिस चीज का इंतजार था वो पल आ चुका है, टॉस भारतीय टीम जीत चुकी है। तिरंगे देखिए हाथों में लेकर सब एकदम हाई जोश में है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है, रोहित शर्मा का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है? रोहित शर्मा लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के सामने भी क्या अनबीटन 92 रन बनाए थे, और आज भी वो खेलेंगे, आज 11 साल के बाद ट्रॉफी इधर इंडिया आने वाली है, 14 साल बाद, हाँ 14 साल बाद इंडिया आने वाली है। अभी क्या लग रहा है, विराट कोहली का फॉर्म टेंशन दे रहा है? नहीं है, फिलहाल तो कोई टेंशन नहीं है उनके बारे में, उनका अगर बल्ले पे बहुत कनेक्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया खेलेंगे, मतलब एक इनिंग का ही अंतर है और आज वो बड़ा इनिंग, बहुत बड़ा, क्या कहेंगे, किस तरीके का है बुमराह का फॉर्म जो है, विपक्ष के जो साउथ अफ्रीका की टीम है उस पर भारी पड़ेगी? 100% पहली बल्लेबाजी भारत की है, तो मैंने पहले ही कहा कि 200 से पार रन बनाएगी, और बुमराह के सामने टिकना अनबीटन है, कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी, साउथ अफ्रीका अनबीटन है, वो भी अनबीटन है, एक मैच 100% दोनों टीमें बहुत स्ट्रांग है, और मैच बड़ा मजा आएगा, लेकिन जीतेगा आपका भारत, भारत भारत जीतेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की भावना है, कौन जीतने वाला है आपके हिसाब से? देखिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात, मुंबई का राजा कौन, रोहित शर्मा इस तरीके के लग रहे हैं, और जो जोश है वो बहुत ज्यादा हाई है, बिल्कुल बिल्कुल जोश बहुत हाई है, हम देख रहे हैं, हमने देखा अतुल की मुंबई जो है पूरी वार्म्ड अप है, दिल्ली भी वार्म्ड अप है, एक बार फिर हम गाजियाबाद में, इला भी एक देखें जिला गाजियाबाद में क्या हो रहा है, इला गाजियाबाद वार्म अप हो गया कि नहीं? हम 7 बजे आपसे मिले थे और अब जो है 7:48 हो रहे हैं, अब बस 10 से 12 मिनट में मैच शुरू होने वाला है, गाजियाबाद में क्या माहौल है भाई?
जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है और देखिए जोश बिल्कुल लगातार आपको तस्वीरों से हम गाजियाबाद में दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पर जीतेगा यही नारे लग रहे हैं, ब्लू इंडिया की शर्ट पहन करके लोग आए हुए हैं और भारत माता की जय, लोगों का यही कहना है कि इस बार तो इंडिया जीतेगा, सालों का इंतजार खत्म होने वाला है, इंडिया ने जीतना ही है इस बार। और जो हम कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस इंडिया की बहुत अच्छी चलती है ये टूर्नामेंट में, आगे भी इस मैच में बढ़िया करेंगे, विराट कोहली से पूरी उम्मीद है, आज विराट कोहली सेंचुरी मारेंगे और इंडिया जीत के वर्ल्ड कप जाएगी। देखिए तस्वीरों में स्क्रीन लग चुकी है, कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, क्या कहेंगी मैम? इंडिया जीतेगा और जैसे इंग्लैंड को बीट किया था आज हमारे साउथ अफ्रीका को बीट साउथ अफ्रीका क्या कहेंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग, इंडिया को जीतना है, जीतना है, जीतना है। हाँ उसका जोश, हाँ बिल्कुल जोश, बिल्कुल हाई, बिल्कुल जोश हाई है यहाँ पर गाजियाबाद में लोगों का, बिल्कुल लीला हर किसी का जोश जो बहुत हाई, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या फिर इंडिया टीवी के स्टूडियो में, यहाँ तो ऐसा जोश है, मुझे लग रहा है कि यहाँ का पूरा बैठ जाओ अभी मैच चुनाव में मैदान में उतरने का टाइम आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी क्रिकेट की बहुत जरूरी बातें भी यहाँ पे, पूरा बाबेडॉस वाला माहौल बना, पूरा बाबेडॉस है, बाबेडॉस तक ये जोश जा रहा है, बाबेडॉस में क्या चल रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन निखिल अगर बात करें, बैटिंग हम पहले कर रहे हैं, तो क्या स्कोर है जो एक आपको लगता है पार स्कोर और सेफ टोटल यहाँ पर होगा? फाइनल मैच है, प्रेशर है, 175 से 180 और उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेज गेंदबाज जितने भी हैं दक्षिण अफ्रीका के वो उनकी ताकत है और भारतीय टीम जिस तरीके से पेस को इस पूरे टूर्नामेंट में खेलती है, भले ही खराब विकेट पे रोहित शर्मा का बल्ला बोल रहा है, विराट कोहली को पेस पसंद है, सूर्य कुमार यादव को पेस पसंद है, ऋषभ पंत को पेस पसंद है, तो मैं मानता हूं कि पहले 6 ओवर एक प्लेटफॉर्म अगर मिल जाता, अगर आप एक से ज्यादा विकेट नहीं गंवाते तो फिर आप 170-180 के बीच में स्कोर बन रहा है, 170-180 एक विनिंग टारगेट होगा जी। चलिए ठीक है, चलिए फटाफट एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं और निखिल हमारे जो कैप्टन है उनसे बात भी करेंगे। रोहित शर्मा एक जबरदस्त फॉर्म में, रोहित पे एक छोटी सी रिपोर्ट फटाफट दिखा देते हैं, क्या लाजवाब क्रिकेट उन्होंने खेली है, क्योंकि इस जोश के बीच होश नहीं गंवाना है और हमें क्रिकेट पे भी ध्यान रखना है और उस 22 गज में हमारे बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं और इसके अलावा बेहतरीन फील्डिंग भी करनी होगी, इन सब मुद्दों पर भी बात करना, वक्त बहुत कम रह गया, सिर्फ 9 मिनट। रोहित शर्मा पे एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं क्योंकि वो जोश और हमारा जो हौसला है दोनों बढ़ा रहा है। जीत की गारंटी रोहित, रन की गारंटी रोहित, रोहित का राज वर्ल्ड कप का सरताज, रोहित मतलब जीत की गारंटी। T20 वर्ल्ड कप का चमकता सितारा है रोहित शर्मा। 2022 में जो कारनामा रोहित नहीं कर पाए उस कारनामे की उम्मीद मौजूदा वर्ल्ड कप में दिख रही है। कैप्टन कूल रोहित ने कप्तानी के साथ साथ बैटिंग सबका दिल जीता है। सुनिए अपनी कूल कैप्टेंसी पर क्या बोल रहे हैं रोहित। आयरलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड की टीम, रोहित के बल्ले के सामने विरोधी टीम के होश फाख्ता हो गए। रोहित ऐसे पहले भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में 50 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। रोहित ने बतौर भारतीय कप्तान अपने 5000 रन वर्ल्ड कप में पूरे किए। रोहित की T20 कप्तानी पर अगर नजर डालें तो 61 मैचों में 49 जीत उनके नाम दर्ज है। इतना ही नहीं, साल 2024 में रोहित ने लगातार 10 T20 मुकाबले अपनी कप्तानी में जीते। साथ ही T20 वर्ल्ड कप में रोहित का सिक्का जमकर चला। वर्ल्ड कप की 7 पारियों में रोहित ने 248 रन बना लिए हैं, जिसमें 350 भी शामिल है। रोहित के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने फाइनल तक का सफर तय किया। रोहित का जादू अगर ऐसे ही बरकरार रहा तो टीम इंडिया 2007 के बाद फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है।
जी वाह, बड़े जोर से हो जाए एक बार फिर बुर्रा। ये बात। लेकिन रोहित शर्मा हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में, जबरदस्त टच में दिख रहे हैं, लय में नजर आ रहे हैं। लेकिन कोई खतरा खासकर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की? आप इसलिए हमेशा बात करते हैं क्योंकि एक पुराना इतिहास रहा है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उन्होंने तंग किया, लेकिन इसी विश्व कप में मिचेल स्टार्क को कितने मारे थे एक ओवर? 29। तो एक खिलाड़ी अपने अनुभव के साथ सीख को, उस सीख को लाभ में किस तरीके से बदला, तैयार है रोहित शर्मा, इसीलिए वो खतरा नहीं है। वो शुरुआत की दो चार गेंदें परेशान, शुरुआत में वो इंतजार करते थे बैकफुट पे खेलने के लिए, लेकिन अब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को तैयार है फ्रंट फुट पे, जिस तरीके से पहला ही छक्का मिचेल स्टार्क को फ्रंट फुट से मारा था। सो आई डोंट सी अ थ्रेट। अंत में बैट और बॉल का खेल है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो लेफ्ट आर्म पेसर वाली कोई भी वो दिक्कत है रोहित शर्मा को। जी हाँ बिल्कुल। क्रिकेट की कुछ जरा गंभीर बातें यहाँ पर कर लें। नंबर तीन पर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जिस तरीके से खेल रहे हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि एक टेम्पलेट में खेल रहे हैं कि मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर शुरुआती विकेट थोड़े से अगर जल्दी गिर जाते हैं तो क्या ऋषभ पंत उसी धरे में रहे या अपने आप को बदलने का मतलब नहीं बनता, लेकिन वो थोड़ा रिस्की क्रिकेट हो जाता है बॉस। अगर एक विकेट जल्दी खो भी जाती है, क्योंकि आपके पास पावर प्ले है, वो 36 गेंदें पावर प्ले की हैं, किस समय विकेट गिरता है आप वो पावर प्ले को कैपिटलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि विश्व कप के फाइनल में आप वो पहला जो है ना मूवमेंट, पहला मूवमेंट चाहते हैं, पहला मोमेंटम प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर वो थोड़ा सा दबाव रहे। आपके पास नीचे बहुत बैटिंग है, बिल्कुल जडेजा तक बैटिंग है। बिल्कुल। एक प्लेयर जिसके बारे में बात करूंगा और उसके बाद में बुमराह और कुलदीप की जरूर बात करेंगे, क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है, और वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार को बता रहे हैं कि जिस तरीके से वो मारते हैं, और खासकर डीप पॉइंट, और जिस तरीके से वो उनका कौन सा वो जो शॉट है, वो डेस्क सुपला शॉट, तो उसके लिए अगर धीमी गेंदबाजी करते हैं तो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि उसको इनइफेक्टिव कर पाएंगे रबाडा हो, एनरिक नोकिया हो, या फिर मार्को यानसन? आप ओवर में एक या दो ही तो स्लोअर बॉल डालेंगे। हाँ। लेकिन अब उस स्लोअर बॉल के लिए भी तैयार है कि वो कवर्स के ऊपर से खेलते हैं, मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हैं। ये एक ऐसा बल्लेबाज है, समी भाई आपने कभी भी देखा होगा ना, ये गेंदबाज से ना एक कदम आगे चलने को देखता है। अगर एक वो बॉलर की पेस का यूज करके फाइन लेग पे खेलता है या शॉर्ट थर्ड मैन पे खेलता है, तो उसको पता है कि अगला गेंद किधर आएगा, वो फील्ड की सजावट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता है और तैयार रहता है। तभी मैं कहता हूँ ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो मेंटली हमेशा बॉलर से एक कदम आगे चल रहा है, वो मजबूर करता है बॉलर को कहाँ पे बॉल डलवानी है। बिल्कुल। सो आई थिंक इनक्रेडिबल। बहुत कम खिलाड़ी हैं विश्व में जिन्होंने पूरे एक साल में 1000 से ज्यादा T20 रन बनाया और 180 के स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल, बताता है कि क्या कला रहा है। बिल्कुल। और आखिरी समय पहुंच गए, क्योंकि चंद मिनटों में यानी कि कुल 2 मिनट में मैच शुरू होने वाला है। आखिर में जाते जाते बुमराह की बात यहाँ पर। जी कुछ और आप बोला बुमराह? जसप्रीत बुमराह के लिए ही बोल देता हूँ। हाँ। जो खिलाड़ी पानी में भीगता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो मेहनत के पसीने में भीगता है वो इतिहास बदलता है। कहाँ गए भाई? इंडिया। चलिए अब हम वार्म अप पूरी तरीके से हो चुके हैं, मैदान में भी आके वार्म अप होंगे, लेकिन फिलहाल हम आपसे इजाजत लेंगे और आपको बता दें कि मिड इनिंग्स में जैसे ही भारत की पारी जो है खत्म होगी, हम दोबारा यहां पर मिलेंगे। हमारे कैप्टन निखिल चोपड़ा हमारे साथ होंगे, हमारी पूरी टीम यहां पर होगी, मिड इनिंग्स में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते थोड़ा वार्म अप हो जाए और भंगड़ा भी हो जाए ना, जिससे कि हम जाए।